मसरूफ रेल लाइनों खंड पर ध्रुवीकरण का कार्य जंग स्तर पर चल रहा है। रेल लाइनों के ध्रुवीकरण कार्य में गति प्रदान कर उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य मार्ग फुलेरा से जोधपुर रेल मार्ग का ध्रुवीकरण कार्य विभिन्न चरणों में पूर्ण कर विशेष कामयाबी प्राप्त की है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रमुख रेल मार्ग में सम्मिलित फुलेरा से जोधपुर के मध्य ध्रुवीकरण कार्य दो चरणों में स्वीकृत किया गया था, जिनमें डेगना राई का बाग 146 किलोमीटर 808 करोड़ रुपए की लागत से तथा डेगना फुलेरा 108 किलोमीटर 1007 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया। सुनिए कैप्टन शशिकरण ने क्या कुछ कहा। दिनांक 27 अप्रैल को रेलवे संरक्षा आयुक्त के द्वारा गोविंदी मारवाड़ से नावा सिटी के 9 किलोमीटर के रेलखंड का ध्रुवीकरण का निरीक्षण किया गया और इसको जो है सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस सर्टिफिकेशन होने के उपरांत कंप्लीट फुलेरा से डेगाना होकर के रायकाबाग के मार्ग का ध्रुवीकरण हो गया है और इसके उपरांत दिल्ली से रेवाड़ी होते हुए जयपुर फुलेरा जोधपुर होते हुए कम्प्लीट पूरा मार्ग जो है अब ध्रुवीकृत हो गया है। ध्रुवीकरण होने से जो है ना सिर्फ ट्रेनों के स्पीड में वृद्धि होगी बल्कि समय पालनता में भी सुधार आएगा। इसका अगर इस पूरे खंड की हम बात करें तो फुलेरा से डेगाना रायकाबाग का जो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो लगभग 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सेक्शन है और इसमें 1800 करोड़ से भी अधिक की लागत आई है। यह एक पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारा पूरा विश्वास है कि इस खंड के ध्रुवीकरण होने से ना सिर्फ समय पालनता वृद्धि होगी बल्कि ट्रेनों की स्पीड में भी बढ़ोतरी होगी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व डेगना रायकाबाग रेलमार्ग का कार्य पूरा किया जा चुका है। अब फुलेरा से रायकाबाग जोधपुर तक संपूर्ण रेलमार्ग दुगना हो गया है। शशि के अनुसार फुलेरा जोधपुर उत्तर पश्चिम रेलवे का महत्वपूर्ण मार्ग है तथा इस पर अधिक संख्या में रेल सेवाओं का संचालन होने के कारण इस मार्ग के ध्रुवीकरण की आवश्यकता थी, जिसे विभिन्न चरणों में पूरा किया गया। विभिन्न चरणों में ध्रुवीकरण करने का लाभ हुआ कि जिस रेलखंड का ध्रुवीकरण पूर्ण हो गया उस पर रेल संचालन प्रभाव किया गया। ध्रुवीकरण कार्य हो जाने से रेल सेवाओं में वृद्धि के साथ साथ गति एवं समय पालनता भी बढ़ेगी। यात्रियों को तीव्र आवागमन का साधन उपलब्ध होगा। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़ में शेख जोया।